मैनेजर वो इसकी जगह दोबारे आ जाओ जाओ ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा वैसे मैंने कहा बाकी लोग आगे हैं आगे सब लोग चलो ठीक ठीक। आप सभी का इस ओकेजन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो फोटोग्राफ DO1 में लगा हुआ था वो बहुत पुराना हो गया था, इसलिए इस फोटोग्राफ को चेंज किया गया है और नया जो भी फोटो लगा है उसका विधिवत रूप से आज उद्घाटन किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में मैं एसएम साहब से दो शब्द बोलने को रिक्वेस्ट करता हूँ। सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी हमारे मैनेजर पेणैया ने आप सभी को बताया है कि हमारे माननीय परम सम्माननीय हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पुराना जो चित्र था काफ़ी पुराना हो गया था, बल्कि मुझे लगता है कि वो 90s के आसपास लगा था जब जहाँ पे मैं दिल्ली DO1 में कार्यरत था। और उसके बाद लगातार मेरे मन में कहीं ना कहीं ये भाव आता था कि कभी वक्त आएगा तो हम जो है नया चित्र का अनावरण करेंगे। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि मंडल कार्यालय भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय वन के द्वारा एक नया चित्र का आज यहाँ पर अनावरण किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वो केवल दलितों के नेता नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के नेता थे। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कई बार हमारे कोई बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब को केवल एक समाज तक ही उन्होंने सीमित कर दिया। मैं यहाँ पे आप सबके साथ में आज ये बात साझा करना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी आज जो महिलाओं को अधिकार मिले हुए हैं वो सब उन्हीं की देन है। अगर आज मैटरनिटी लीव अगर महिलाओं को मिलती है वो भी बाबा साहब की वजह से है। RBI की स्थापना हुई तो मैं आप बता दूं वो भी बाबा साहब के सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। आज हमारे वर्किंग आवर्स जो 8 आवर्स के हैं वो भी बाबा साहब के सिद्धांतों की वजह से है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि बाबा साहब ने किए हैं, तो ये हमारे लिए इसीलिए बाबा साहब को भारत रत्न और इसके साथ साथ इनको सिंबल ऑफ नॉलेज का पुरस्कार जो है दिया गया है, तो हमारे सबके लिए गर्व की बात है। अगर हम आज उनके सम्मान में सिर्फ इतना ही है कि हम एक छोटी सी प्रतिमा के रूप में हम उनको आज अनावरण कर रहे हैं और यह जरूर चाहेंगे कि हम सब लोग सदैव बाबा साहब हम सब चाहे वो कोई भी जाति का है कोई भी धर्म का है कोई भी समाज का है सभी के दिलों में वो बसे हुए हैं। और आज भारत रत्न जो बाबा साहब के लिए बहुत सारे उनके जो कार्य हैं वो आज हमारा देश उसको अपना रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे ही उनकी जो उन्होंने कार्य की उन्होंने बनाई थी शैली बनाई थी दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया था। हम सभी लोग निगम के अंदर अपने कर्मचारी जो है हम भी अपने निगम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तन मन से अपने कार्य करें। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज क्या नाम है सतर्कता हमारा जो है सतर्कता जागरूकता बिजनेस अवेयरनेस वीक आज कैंपेन किया गया। बहुत सारे हमारे एम्प्लॉयज़ ने ऑफिसर्स ने एजेंट्स ने CLIA साथियों ने Class 1, 2, 3, 4 समस्त हमारे अधिकारियों ने काफ़ी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसे हमारे माननीय क्षेत्रीय प्रबंधक जी ने हमारे को उसको जो मेरा वाकाथन किया था उसका वहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया और एक हमने पूरा टर्न अराउंड लिया पूरा कनॉट प्लेस में आउटर सर्कल में लिया। और वहाँ पे भी हमारे जेडम साहब ने एक बात कही कि निगम पिछले 29 वर्षों से अधिक जो है 29 करोड़ से अधिक पॉलिसी धारकों की सेवा में कार्यरत है। हम चाहेंगे कि हम सब निगम के जहाँ समस्त कर्मचारी अधिकारी उपस्थित हैं मैं आप सबको भी आज इस अवसर पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा अपील करूँगा कि हम अपने 29 करोड़ से अधिक पॉलिसी धारकों की बेहतर सेवा करें और निगम को और ऊंचे से ऊंचा ले जाने के लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करें। तो अंत में इन्हीं शब्दों के साथ पुनः बाबा साहब को सम्मान व्यक्त करते हुए मैं यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करूँगा और आप सबसे भी अनुरोध करूँगा कि 1x1 जो है आप इसके अंदर जो है आप बाबा साहब के लिए श्रद्धा सुमन उपस्थित करें। धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब BR अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे बाबा साहब BR अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे अमर रहे। दिया था
तो उस समय ये हम पूरे देश के अंदर बाबा साहब का एक फोटो केंद्रीय कार्यालय द्वारा पब्लिश किया गया था और वो पूरे देश में लगा था, लेकिन धीरे धीरे बिल्डिंगों का रेनोवेशन हुआ, रेनोवेशन के बाद में वो फोटो पुराने होते चले गए और उस स्थिति में ये तय किया गया है कि ये कलर्ड फोटो बाबा साहब अम्बेडकर का पूरे देश में लगाया जाएगा। तो उसी कड़ी में आपने देखा कि 3 दिन पहले जीवन हमारा जो भारतीय बिल्डिंग है, जो क्षेत्रीय मुख्यालय है पूरे 6 राज्यों का, वहाँ पर श्री अनूप कुमार जो हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक हैं, उन्होंने आपकी उपस्थिति में बाबा साहब अम्बेडकर के नए चित्र का अनावरण किया था। और आज ये दिल्ली डीओ वन का मुख्यालय है, दिल्ली हमारा 3 हिस्सों में बटा हुआ है, आज दिल्ली वन का ये जो हमारे वरिष्ठ मंडल प्रबंधक श्री एल सी पीपल साहब हैं, उन्होंने आज बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र को यहाँ पर स्थापित करके उनके प्रति अपना सम्मान, कॉरपोरेशन का जो सम्मान है, उन्होंने यहाँ पर आज पुनः एक बार सबके सामने 23 नवंबर को अम्बेडकर सेंटर में जो प्रोग्राम करें, इंटरनेशनल बहुजन कॉन्फ्रेंस सेलिब्रेशन, कौन कौन लोग पार्टिसिपेंट हैं और किस तरह का मेगा इवेंट है और क्या क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, इसमें बेसिकली ये समाज को समर्पित कार्यक्रम है, इसमें देश और विदेश के जो बुद्धिजीवी हैं सभी लोगों को बुलाया गया है। बहुत सारे लोग लंदन से, बहुत सारे लोग ऑस्ट्रेलिया से, जापान से और आपके वैंकूवर से, यूएसए से, बहुत सारे लोग जो है इस कार्यक्रम के लिए शिरकत करने के लिए आ रहे हैं और कुछ इंडिया आ भी चुके हैं। तो इसमें ये प्रोग्राम पूरी तरीके से समाज को समर्पित रहेगा और इसमें समाज के लिए जो कार्य करने वाले लोग हैं, 10 बच्चे इसमें छांटे जा रहे हैं, जिन बच्चों ने अपनी अपनी परीक्षा में टॉप किया है, 10 आर्टिस्ट छांटे जा रहे हैं, 10 खिलाड़ी छांटे जा रहे हैं, 10 सोशल वर्कर छांटे जा रहे हैं। इस तरीके से पूरे देश के अंदर जो है करीब 100 लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को इस कार्यक्रम के अंदर उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको ट्रॉफी दी जाएगी। चलिए, मैं LIC के प्रोग्राम में हूँ, इसलिए LIC में अभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है, LIC में आरक्षण खत्म नहीं हो रहा है, तो KP चौधरी साहब से सवाल ही पूछ लेते कि क्या रेलवे में हो रहा है, रेलवे के कर्मचारी विरोध नहीं कर रहे, सर इसका कोई खतरा नहीं है ना? आप SC ST वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। इसमें एक चीज़ है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो डायरेक्ट कॉरपोरेशन का यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का सीधा निजीकरण का कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से भी SC ST के लोगों का नुकसान LIC में भी हुआ है, LIC उससे अछूता नहीं है। हमारे मंडल कार्यालय में काफ़ी 1990 के बाद में इसको यहाँ पर अनावरण किया गया है। पहले जो मूर्ति थी, जो बाबा साहब की चित्र लगा हुआ था, वह काफ़ी पुराना हो गया था और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि वो जल्दी से जल्दी इस नया चित्र की यहाँ पर स्थापना की जाए। तो आज बहुत अच्छा दिन है कि हम बाबा साहब का नया चित्र को अनावरण किया है। इस अवसर पर हमारे समस्त अधिकारी, कर्मचारी और हमारे चित्र कार्यालय से लोग, अधिकारी काफ़ी लोग यहाँ पर अधिक संख्या में उपस्थित थे और उन सब लोगों ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, हमने भी इसके अंदर बाबा साहब को श्रद्धा। सर, LIC से कितने बहुजन समाज के लोगों का जीवन बदला है और बहुजन और LIC कितना मजबूत हुआ है बहुजन समाज की डाइवर्सिटी की वजह से? जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत एक आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उस आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती खासतौर से Class 3-4 कैडर में जो हुई है और आगे भी हो रही है, अगर उसमें जहाँ जहाँ भी थोड़ा बैकलॉग है उसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर और हमारे मैनेजमेंट सेंट्रल ऑफिस स्तर के ऊपर उसकी व्यवस्था की जाती है और उसके लिए प्रयासरत है। उसके लिए बहुत सारे संगठन हैं, कल्याण संघ है और भी हमारे एसोसिएशन सभी लोग इसके लिए प्रयासरत है और उस पर काम करते रहते हैं। LIC के लेकर सर, भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, बहुत ट्रस्ट है, लोगों को भरोसा है, उन तमाम ग्राहकों को और खासकर बहुजन समाज के लोगों को क्या अपील करेंगे, क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भारतीय जीवन बीमा निगम पिछले 63 वर्षों से अधिक लगातार अपने पॉलिसी धारकों को बेहतर सेवा प्रदान कर रही है। लगभग 29 करोड़ से अधिक की संख्या, अधिक करोड़ के हमारे पॉलिसी धारक हैं और उसमें समस्त कर्मचारी, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति से हो, सभी लोग उसमें बेहतर हमारी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि हम समस्त कर्मचारी, क्योंकि हम निगम के कर्मचारी हैं, निगम के अधिकारी हैं, हम सब मिलकर अधिक से अधिक अपने पॉलिसी धारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करें ताकि निगम आने वाले समय में और नए आयामों को प्राप्त करें, नए आयामों को छुए और निगम एक आज भी सुदृढ़ संस्था है और बेहतर से सुदृढ़ संस्था हमारी बने। चौधरी साहब, एक जमाने में 31,000 के आसपास थी, ये घटकर के करीब 20,000 के आसपास अब बचती है। संख्या निरंतर इसलिए घटती जा रही है कि फर्दर रिक्रूटमेंट नहीं है और जो लोग सरकार की नौकरी में वो आई जी रिटायरमेंट के आसपास जा रहे हैं, VRS CRS जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। तो हर रोज़ LIC में भी कर्मचारियों की संख्या घटी है। अभी पिछले दिनों काफ़ी लंबे वर्षों के बाद में Class 3 का रिक्रूटमेंट अभी आया है, जिसमें पूरे देश में 8,000, जिसमें 2,000 SC ST कर्मचारी उसमें भर्ती किए जा रहे हैं और उसमें करीब एक मान के चले कि आप
करीब 4,000 के आसपास ओबीसी समाज के कर्मचारी भी उसमें आए। बाकी विभागों के मुकाबले देखें तो LIC ज़्यादा ईमानदार है भर्तियों को लेकर और खासकर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। देखिए मुझे बताते हुए बड़ा गर्व है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में लोएस्ट रैंक ऑफ क्लास वन जो DUPT के ऑर्डर्स हैं वहाँ तक रिजर्वेशन लागू होता है, यानी LIC में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रैंक की तक रिजर्वेशन लागू होता है। लेकिन मुझे आपके TV चैनलों को संबोधित करते बहुत खुशी है कि आज भारत 8 हिस्सों में बटा हुआ है। 8 जोनों में जो इंचार्ज भारत में काम करते हैं, जिनमें 4 जो जोन में जो इंचार्ज हैं ZMs हैं वो SC ST समाज से। मैं बताना चाहूँगा कि पटना जोन का जो ZM इंचार्ज है वो SC समाज से हैं, कोलकाता जोन के जोन मेजर इंचार्ज वो भी SC समाज से हैं, भोपाल जोन के जोन मेजर इंचार्ज वो भी SC समाज से हैं, और जो चेन्नई है तमिलनाडु और केरला का जो एरिया पड़ता है वहाँ से जो जोन मेजर इंचार्ज वो भी SC समाज से, यानी 8 में 4। मैं कहूँगा कि 50% का रिजर्वेशन तब दिया गया है जबकि रिजर्वेशन का कोई प्रावधान हायर रैंक में है ही नहीं। और नॉर्दर्न जोन की अगर मैं बात करूँ तो 17 सीनियर इंचार्ज काम करते हैं, इसमें हमारे LC पीपल साहब एक हैं। और अगर मैं श्रीनगर से शुरू करता हूँ, श्रीनगर के सीनियर इंचार्ज वो भी SC हैं, उसके बाद अमृतसर के सीनियर इंचार्ज वो भी SC कैटेगरी से हैं, जालंधर के SDM इंचार्ज वो भी SC कैटेगरी से हैं, लुधियाना के सीनियर इंचार्ज वो भी SC कैटेगरी से हैं, दिल्ली वन में जहाँ आप हम बैठे हैं LC पीपल साहब वो भी SC कैटेगरी से हैं, जयपुर वन के सीनियर इंचार्ज वो भी SC ST कैटेगरी से हैं, जयपुर टू के SDM इंचार्ज वो भी SC ST कैटेगरी से हैं, और उदयपुर के SDM इंचार्ज वो भी SC ST कैटेगरी। इसका मतलब समस्त अपने संगठन को भी मैं खास तौर से विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम संगठन ने सदैव हमारे समाज के लोगों के लिए दिन प्रतिदिन प्रबंधक गण से इस विषय पर चर्चा करते रहे हैं, जिसकी वजह से आज जैसा कि अभी चौधरी साहब ने बताया कि हमारे 8 जोनल मैनेजर में से 4 जोनल मैनेजर हमारे हैं, ये इनके संगठन के प्रयासों की वजह से संभव हुआ। डाइवर्सिटी जो है वो कैसे संस्थाओं को मजबूत बनाता है, LIC उसका एग्जाम्पल है, और भारत की सबसे विश्वसनीय संस्थान है, आर्थिक रूप से सबसे मजबूत संस्थान है LIC, जिस पर देश भरोसा करता है, और उसमें डाइवर्सिटी कितना इम्प्लीमेंट है उसकी भी वानगी आपने देखी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ आरक्षण देश बनाने के लिए है, देश को डिमेरिट करने के लिए नहीं है। मैं एक जानकारी और देना चाहूँगा, अभी सहायक प्रशासनिक अधिकारी पदोन्नति परिणाम अभी आया है, जिसमें SC ST समाज के टोटल 26 रिक्तियाँ थी, लेकिन हमारी प्रबंधन ने उसमें 11 अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में हमारे SC ST समाज के अधिकारियों को प्रमोट किया, यानी कि 45% का एक और अतिरिक्त जो है जो डाइवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं तो उसमें 26 की बजाय आप मुझे बताते, बड़ी खुशी है कि उसमें 37 जो है सहायक प्रशासनिक अधिकारी कैडर में लोग हमारे। अच्छा, हमारे यहाँ जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है बिल्कुल। उसमें लेक्चर करते समय उसमें जिस बात का ध्यान रखा जाता था कि मेरिट के आधार पर ही कर्मचारियों लोगों का कैंडिडेट का सिलेक्शन हो, तो उसमें अधिकतर हमारी जो महिला हमारी अधिकारी है या कर्मचारी है वो अधिक से अधिक संख्या में आती है, क्योंकि रिटर्न टेस्ट में उनके मैंने देखा है कि उनके रिटर्न टेस्ट में नंबर अच्छे आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। इंटरव्यू में भेदभाव नहीं होता है। इंटरव्यू में अब जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि अब इस बार से इंटरव्यू समाप्त कर दिए गए हैं इस बार से जो अभी नया रिक्रूटमेंट केवल असिस्टेंट के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी में अभी जो नई प्रणाली के तहत इंटरव्यू साक्षात्कार की व्यवस्था ए बी में इंटरव्यू है तो इस वर्ष से नहीं है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम, मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, भारतीय जीवन बीमा निगम एक हमारी सुदृढ़ वित्तीय संस्था है, लगभग 28 लाख करोड़ से अधिक का लाइफ फंड मौजूद है, लगभग 31 लाख करोड़ से अधिक का पारस्परिक संपत्तियां भारतीय जीवन बीमा निगम के पास है। मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष 50,000 करोड़ से अधिक का सरप्लस जो हमने जो है बोनस के रूप में अपने 29 करोड़ से अधिक पॉलिसी धारकों को वितरित किया है, जो कि हाईएस्ट एवर बोनस था। तो हमें इस बात का गर्व है कि भारतीय जीवन बीमा निगम एक तो भ्रष्टाचार मुक्त एक संस्थान है और हम इसमें कार्य करते हैं, हमें इस बात का गर्व है। ये है डॉक्टर उषा सागवान और सुनीता शर्मा महिला वर्ग से MD बनी, और अभी एक मिनी AP हैदराबाद की जोनल मैनेजर बनाई गई है, आने वाले समय में वो भी मैनेजिंग डायरेक्टर कैंडिडेट होंगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।